नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर प्रीति बोरा आपका स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का गृह विज्ञान विभाग प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर के मध्य राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की एक थीम शिशुओं के लिए पूरक आहार भी है, तो इसी क्रम में आज आपको इस व्याख्यान के माध्यम से मैं शिशु और छोटे बच्चों के लिए इष्टतम आहार पद्धतियों के बारे में जानकारी दूंगी। मनुष्य के जीवन में विकास दर जीवन के प्रथम वर्ष के दौरान सर्वाधिक होती है और शिशु आहार पद्धति जिसमें स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार दोनों शामिल हैं बच्चे की पोषण स्थिति निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विश्व भर में केवल 35% शिशुओं को जीवन के पहले 4 महीनों के दौरान विशिष्ट स्तनपान कराया जाता है और पूरक आहार या तो बहुत जल्दी या फिर बहुत देर से शुरू होता है, जिसमें अक्सर पोषण की दृष्टि से अपर्याप्त और असुरक्षित खाद्य पदार्थ होते हैं। शिशु अवस्था और प्रारंभिक बचपन में खराब आहार पद्धतियों के कारण कुपोषण हो सकता है, जो बाद में जीवन में संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में कमी, स्कूल में खराब प्रदर्शन और कम उत्पादकता में योगदान देता है। विशेष रूप से जीवन के प्रथम 6 महीनों के दौरान प्रारंभिक और विशिष्ट स्तनपान कराने से छोटे बच्चों को जीवन की सर्वोत्तम संभव शुरुआत सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। स्तनपान बच्चे को पालने का एक प्राकृतिक तरीका है, जो माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है। यह शिशु की वृद्धि और विकास में सर्वोत्तम योगदान देता है और शिशु को सीखने के कई सारे अवसर प्रदान करता है। यह शिशु की सभी 5 इंद्रियों दृष्टि, गंध, श्रवण, स्वाद और स्पर्श को उत्तेजित करता है। स्तनपान भावनात्मक सुरक्षा और स्नेह को भी बढ़ाता है, जिसका मनोवैज्ञानिक विकास पर आजीवन प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे माँ के दूध के पोषण मूल्य के बारे में। माँ का दूध आसानी से पचने के लिए बनाया गया है। माँ के दूध में प्रोटीन अधिक घुलनशील रूप में होता है, जिसका बच्चा आसानी से पाचन और अवशोषण कर लेता है। मानव दूध में वसा और कैल्शियम भी आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोज त्वरित ऊर्जा बच्चे को प्रदान करता है और इसके अलावा लैक्टोज का एक हिस्सा आंतों में जाकर लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो वहां मौजूद हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है और कैल्शियम और अन्य खनिजों के अवशोषण में मदद करता है। सामान्य परिस्थितियों में यदि माता का स्वास्थ्य ठीक हो तो स्तनपान उचित मात्रा में विटामिन जैसे थायमिन, विटामिन ए और विटामिन सी भी प्रदान करता है। मानव दूध में जन्मजात एंटी इन्फेक्टिव गुण भी होते हैं, जो बच्चे को कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। स्तनपान की जल्दी शुरुआत सफल स्तनपान के साथ साथ बच्चे को कोलेस्ट्रॉम, जिसे हम माँ का पहला दूध भी कहते हैं, उसको प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस अवधि के दौरान और बाद में नवजात शिशु को शहद, घुट्टी, पशु या पाउडर वाला दूध, चाय, पानी या ग्लूकोज का पानी जैसे कोई भी अन्य तरल पदार्थ या भोजन नहीं देने चाहिए, क्योंकि यह बच्चे के लिए हानिकारक होते हैं। स्तनपान की शुरुआत में देरी करना कई देशों में एक आम बात है और इससे नवजात शिशु कोलेस्ट्रॉल में उपलब्ध एंटी इन्फेक्टिव गुणों, विटामिन ए और प्रोटीन के जो केंद्रीय स्रोत हैं, इनसे वंचित हो जाते हैं। कई समुदायों में देखा गया है कि विभिन्न अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण स्तनपान 5वें दिन से भी देर से शुरू किया जाता है। भारत में 15.8% नवजात शिशुओं को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू किया जाता है और केवल 37.1% को जन्म के 1 दिन के भीतर स्तनपान शुरू किया जाता है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट स्तनपान। विशिष्ट स्तनपान का अर्थ है कि शिशुओं को माँ का दूध, इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य खाद्य, दूध, पेय और पानी न दें। पहले 6 महीनों के दौरान केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। इस दौरान माँ का दूध शिशु को पूर्ण पोषण प्रदान करता है। जिन शिशुओं को केवल स्तनपान कराया जाता है, उन्हें पहले 6 महीनों के दौरान किसी भी अन्य प्रकार के भोजन या तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। अत्यधिक गर्म और शुष्क परिस्थितियों में भी माँ का दूध शिशु की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। इस अवधि में किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ या पेय को देने से कई सारे नुकसान हो सकते हैं, जिसमें से पहला है यदि कोई अन्य खाद्य पदार्थ दिया जाए तो स्तन स्राव कम होता है, और दूसरा यह कि किसी भी अन्य भोजन या पानी से संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, खासकर बच्चों में अतिसार। यह महत्वपूर्ण है कि स्तनपान 2 साल या उससे ज़्यादा की आयु तक जारी रखा जाए, क्योंकि इससे बच्चे को ऊर्जा, अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन और कई सारे अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। पूरक आहार के महत्व की बात करें तो शरीर के ज़्यादातर अंग जीवन के शुरुआती सालों में संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से तेजी से बढ़ते हैं और फिर इनका विकास धीमा हो जाता है।
तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क में ज़्यादातर विकास जीवन के पहले 2 वर्षों में पूरा हो जाता है। 6 महीने की आयु से पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। पूरक आहार का उद्देश्य होता है कि माँ के दूध की पूर्ति करे और यह सुनिश्चित करे कि छोटे बच्चे को सामान्य रूप से बढ़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्व मिलते रहें। शिशु के लिए पहला भोजन बनाने के लिए परिवार के मुख्य अनाज का ही उपयोग किया जाना चाहिए। सूजी, गेहूं का आटा, पिसा हुआ चावल, रागी, बाजरा, इन सब से दलिया बनाया जा सकता है जिसको शिशु को दिया जा सकता है। किसी भी अनाज के भुने हुए आटे को उबले हुए पानी, चीनी और थोड़ी सी वसा के साथ मिलाकर शिशु को बनाकर उसका पहला पूरक भोजन दिया जा सकता है। चीनी या गुड़ और घी या तेल मिलाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भोजन का ऊर्जा मूल्य बढ़ता है। शुरुआत में इस दलिया को थोड़ा पतला बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है इसकी स्थिरता अधिक गाढ़ी होनी चाहिए क्योंकि गाढ़ा दलिया पतले दलिया की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। कुछ अन्य तरीकों से भी पूरक आहार दिया जा सकता है, जैसे रोटी के टुकड़ों को आधा कप दूध या उबले हुए पानी में भिगोया जा सकता है और इनको अच्छी तरह से मैश करके उसमें चीनी और वसा मिलाकर शिशु को खिलाया जा सकता है। भिगोई हुई और मसली हुई चपाती को छलनी से छानकर शिशु के लिए नरम अर्धठोस भोजन भी बनाया जा सकता है। पूरक आहार देने की आयु में बच्चे को केला, पपीता, चीकू, आम आदि फल भी मसले हुए रूप में दिए जा सकते हैं। शिशुओं के लिए पारंपरिक खाद्य पदार्थ। देश के विभिन्न भागों में शिशुओं को दिए जाने वाले अधिकांश पारंपरिक खाद्य पदार्थ मिश्रित खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं, जैसे खिचड़ी, दलिया, सूजी की खीर, उपमा, इडली, ढोकला आदि। कभी कभी पारंपरिक खाद्य पदार्थों को थोड़ा और संशोधित करके भी दिया जा सकता है जो बच्चे के लिए उपयुक्त हो, जैसे तेल और चीनी के साथ मसली हुई इडली शिशु के लिए एक बहुत अच्छा पूरक आहार है। इसी तरह चावल में थोड़ी सी पकी हुई दाल या सब्जी डालकर उसे अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। खिचड़ी बनाते समय उसमें 1 या 2 अन्य सब्जियां भी डालकर उसको अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। संशोधित पारिवारिक भोजन। अधिकांश परिवारों में रोटी या चावल के रूप में अनाज और दाल या सब्जी ही आहार होता है और परिवार के लिए पकाए गए खाद्य पदार्थों से शिशु के लिए पूरक आहार तैयार करने के लिए उनमें मसाले डालने से पहले दाल या सब्जी की थोड़ी मात्रा अलग करनी चाहिए। इस मिश्रित भोजन को अच्छी तरह से मैश किया जा सकता है और थोड़ा सी वसा डालकर बच्चे को खिलाया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो मिश्रण को अर्ध ठोस पेस्ट बनाने के लिए छलनी से भी छाना जा सकता है। इस प्रकार चावल या गेहूं को दाल और सब्जी के साथ मिलाकर शिशुओं के लिए पौष्टिक पूरक भोजन बनाया जा सकता है। त्वरित शिशु आहार। त्वरित शिशु आहार वो होता है जिसको एकदम से बनाकर हम बच्चे को दे सकते हैं। घर में उपलब्ध अनाज से निर्मित शिशु आहार मिश्रण को कम से कम 1 महीने तक संग्रहित करके रखा जा सकता है और इसे शिशु को बार बार खिलाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए कोई भी अनाज जैसे चावल या गेहूं या मोटा अनाज जैसे रागी, बाजरा, ज्वार या का 3 भाग, कोई भी दाल का 1 भाग और मूंगफली या सफ़ेद तिल का 1/2 भाग ले सकते हैं और इन खाद्य पदार्थों को अलग अलग भून कर, पीस कर, अच्छी तरह मिलाकर एयरटाइट कंटेनर में रखकर उपयोग किया जा सकता है। खिलाने के लिए इस मिश्रण को 2 बड़े चम्मच लें और इसमें उबला हुआ गर्म पानी या दूध, चीनी या गुड़ और तेल घी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। यदि उपलब्ध हो तो दलिया में पकाई और मसली हुई गाजर, कद्दू या हरी पत्तेदार सब्जियां भी मिलाई जा सकती हैं और इस शिशु आहार मिश्रण को हलवा, बर्फी, उपमा, दलिया आदि रूप में भी बनाकर बच्चे को दिया जा सकता है। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ भी बच्चे के आहार में होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, कद्दू और मौसमी फल जैसे पपीता, आम, चीकू, केला, ये सब बच्चे के विटामिन ए और आयरन की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 6 महीने की आयु से बच्चे को स्तनपान के साथ साथ अन्य सभी खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध से बने उत्पाद, अंडा, मांस, मछली यदि मांसाहारी हैं तो, तेल, घी, चीनी, आयोडीन युक्त नमक आदि। स्तनपान के साथ साथ शिशु के विविध आहार से बच्चे की सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति में भी सुधार होता है। शिशु आहार का ऊर्जा घनत्व। छोटे बच्चों को दिए जाने वाले पूरक आहार का कम ऊर्जा घनत्व और उनको कम खिलाने की प्रवृत्ति अपर्याप्त कैलोरी का सेवन होता है और इस प्रकार कुपोषण हो सकता है। अधिकांश खाद्य पदार्थ भारी होते हैं और बच्चा उन्हें एक बार में अधिक नहीं खा पाता, इसलिए बच्चे द्वारा पर्याप्त ऊर्जा सेवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चे को लगातार अंतराल पर छोटे ऊर्जा सघन आहार देना बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, जैसे बच्चे के भोजन में चीनी या गुड़ मिलाकर। बच्चे को क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए उनके खाने में चीनी या गुड़ की पर्याप्त मात्रा मिलानी चाहिए। दूसरा, उनको माल्टेड खाद्य पदार्थ देकर।
माल्टिंग से खाद्य पदार्थों का गाढ़ापन कम हो जाता है और बच्चा उसको एक बार में ज़्यादा खा सकता है। माल्टिंग में साबुत अनाज या दाल को अंकुरित करना, अंकुरण के बाद उन्हें सुखाना और पीसना शामिल है। अमाइलेज रिच फ्लोर यानी ARF माल्टेड खाद्य पदार्थों के आटे को दिया जाने वाला वैज्ञानिक नाम है और इसका इस्तेमाल शिशु के आहार में किया जाना चाहिए। हर आहार में एक चम्मच तेल या घी डालकर भी ऊर्जा को सघन किया जा सकता है। वसा ऊर्जा का एक संकेंद्रित स्रोत है और यह भोजन की ऊर्जा को बढ़ाता है। फिर गाढ़ा मिश्रण खिलाकर भी इस काम को किया जा सकता है। पतले दलिया से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती। एक छोटे शिशु को खास तौर पर 6 से 9 महीने के दौरान गाढ़ा लेकिन मुलायम मिश्रण चाहिए होता है, क्योंकि अर्ध ठोस भोजन के कठोर टुकड़े निगलने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। भोजन की आवृत्ति भी बहुत ज़रूरी है। शिशुओं और छोटे बच्चों को स्तनपान के अलावा दिन में 5 से 6 बार भोजन की आवश्यकता होती है। यह याद रखना चाहिए कि पहले 2 वर्षों के दौरान शिशुओं और छोटे बच्चों को अपर्याप्त भोजन देना कुपोषण का मुख्य कारण होता है। वृद्धि निगरानी और संवर्धन भी ज़रूरी है। बच्चे का नियमित रूप से वज़न लिया जाना चाहिए और उसे स्वास्थ्य कार्ड पर वज़न को अंकित करना चाहिए। शिशुओं और छोटे बच्चों का वज़न हर महीने उनकी माताओं की निगरानी में किया जाना चाहिए और उनकी वृद्धि के बारे में माता को बताना चाहिए। यदि बच्चा कुपोषित है तो माताओं को सलाह दी जानी चाहिए कि वह बच्चे को हर दिन अतिरिक्त भोजन दें और पौष्टिक भोजन दें। कुपोषित बच्चों का घर पर पालन पोषण किया जाना चाहिए और माताओं को बच्चे के भोजन और देखभाल के बारे में सवाल पूछने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बात करेंगे बीमारी के दौरान और उसके बाद में भोजन की। 6 महीने से 2 साल की आयु के बच्चों को अक्सर दस्त, खसरा, सर्दी, खांसी जैसे संक्रमण होते हैं। अगर उनका आहार पर्याप्त तो होता है तो उनके लक्षण आमतौर पर कुपोषित बच्चे की तुलना में कम गंभीर होते हैं। बीमार बच्चे को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने शरीर के पोषक तत्वों का उपयोग किए बिना संक्रमण से लड़ सके। वजन घटाने और अन्य पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए बीमारी के दौरान और बाद में उचित भोजन महत्वपूर्ण है। यदि शिशु को उचित भोजन सुनिश्चित किया जाए तो संक्रमण और कुपोषण के चक्र को तोड़ा जा सकता है। स्तनपान करने वाले शिशुओं को कम बीमारियां होती हैं और उनका पोषण बेहतर होता है। स्तनपान करने वाले बच्चे को बीमारी के दौरान अधिक बार स्तनपान कराया जाना चाहिए। 6 महीने से अधिक उम्र के शिशुओं के लिए बीमारी के दौरान स्तनपान और पूरक आहार दोनों जारी रखना चाहिए। भोजन पर प्रतिबंध करना या बच्चे को कम मात्रा में खिलाने से बचना चाहिए। बीमार बच्चे को पर्याप्त भोजन खिलाने के लिए समय और देखभाल का ध्यान रखना चाहिए। शिशुओं को कम मात्रा में लेकिन अधिक बार भोजन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसे खासकर वह भोजन दिया जा सकता है जो उसको पसंद हो। खसरा, दस्त और श्वसन संक्रमण वाले बच्चों को विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। चिकित्सा अधिकारी से परामर्श से ऐसे बच्चों को विटामिन ए की एक बड़ी खुराक भी दी जा सकती है। बीमारी के बाद यदि बच्चा ठीक हो रहा हो तो उसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से युक्त पौष्टिक आहार देना आवश्यक है ताकि वह अच्छा विकास कर सके और पोषक तत्वों के भंडार की पूर्ति कर सके। धन्यवाद।